इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महति शिकारी सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक राजस्थान। राजस्थान के टोंक जिले की पुण्य धरा आवा में स्थित है विश्व में सर्वाधिक 4 लाख की एनर्जी वाला चमत्कारिक तीर्थ श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में इस महाअतिशयकारी क्षेत्र का शिलान्यास सन 2000 में एवं प्रथम पंच कल्याणक 2008 और द्वितीय 2019 में सम्पन्न हुआ। लगभग 100 बीघा भूमि पर विस्तारित इस विशाल तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है भारत की सबसे बड़ी देशी पाषाण निर्मित 16वें तीर्थंकर श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, जिनके दर्शन मात्र से मिट जाते हैं सारे दुख। इस प्रांगण में विशाल समवशरण मंदिर, सहस्त्रकूट जिनालय, नंदीश्वर दीप मंदिर, कीर्ति स्तंभ एवं मान स्तंभ के साथ सुधा सागर पब्लिक स्कूल और आधुनिक धर्मशाला भोजनशाला भी स्थापित है। वर्तमान में तीर्थ पर 24 जिनालय, 30 24 जिनालय एवं भरत बाहुबली जिनालय आदि का निर्माण कार्य जारी है। आप सभी क्षेत्र पर संचालित योजना आजीवन श्री शांतिनाथ भक्तामर मंडल विधान एवं तीर्थ रक्षक सदस्य बनकर विधान एवं शांति धारा करने का अवसर प्राप्त करें। आपका सुदर्शनोदय क्षेत्र जो है वो क्षेत्र की तो माटी का ही अतिशय ऐसा है, वहाँ की भूमि का ऐसा है, और जिस भूमि पर बताते हैं कि यदि भूमि एनर्जिस्ट हो, उस भूमि पर यदि मूर्ति बैठ जाती है, साधु बैठ जाता है और श्रावक भी 1 मिनट को खड़ा हो जाता है, तो उसमें इतनी एनर्जी आती है कि वह संसार के छोटे मोटे विघ्नों को तो यूस पलायन कर जाते। माटी पर बैठने मात्र से, उस क्षेत्र पर जाने मात्र से, सुदर्शन देश के चतुर्मास के समय मैंने जगत को कहा था, ये क्षेत्र यहाँ भगवान के दर्शन में तो जो चमत्कार है वो तो बात का, इस क्षेत्र पर कदम रखते ही यदि 2 मिनट खड़े होकर के भी कायस्वर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी शक्ति एनर्जी मिल सकती है बहुत बड़ी, टॉनिक का काम करता है। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतिमा आज के युग की देसी पाषाण की सबसे पहले यदि कोई प्रतिष्ठित हुई है तो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा में पहली बनी थी और उसकी पहली प्रतिष्ठा हुई। ये मूर्ति में इतनी ताकत है कि अब इस मूर्तियां जहां बैठेंगी, एक नहीं सैकड़ों मूर्तियां इससे बड़ी बड़ी भी बैठेंगी, ये चमत्कार इसी मूर्ति का है। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरम्भं मं हं सं तं पं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं दव दव नमोते भगवते श्रीमते प्रभुजलनिर्जनाभिषेकामिति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रमं पापं खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ॐ नमो रं झं झीं छीं हं सं जं बं हा यः सः छां छीं छूं छें छैं छौं छौ छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते ठाटास्माकं ॐ रुमाचार्य भगवन् समसामाजिक स्वास्थ्यलाभेतु समस्त मुनि संघ स्वास्थ्यलाभेतु समस्त तारिका संघ स्वास्थ्यलाभेतु। आज के सांध्यकर्ता श्रीमती चंदा जी, संजय जी, सुधीर जी, अक्षय जी, अर्पित जी, खुशी जी, श्रुति आधना जी, सब परिवार बैरागर भोपाल, श्री जूठालाल जी, अमरचंद जी, झांझरी, कुसुमबाई, प्रकाश चंद्र जी, संगीता जी, महेंद्र जी, सरिता जी, पंकज जी, सपना जी, संजय जी, सरिका जी, ब्रह्मचारी करिश्मा दीदी, ब्रह्मचारी नुपुर दीदी, सेजल, स्वस्थ, खुशी, निधि, दर्शन, सम्यक जी, जैन, झांझरी, सब परिवार, धुंदुरवार, महाराष्ट्र। एक वर्ष की शांति हारा करता श्रीमती सुमन जी, स्वर्ग नरेश जी, खुशबू दामिनी जी, लोरा दिया परिवार, बांसवाड़ा, श्री मोहन कुमार जी, वरकुतेश, रेखा जी, कुमारी निकिता जी, रचित जी, करण जी, श्रीमती शोभा नगराज, सगरी परिवार, कोल्हापुर, श्रीमती प्रतिभा देवी, सदन कुमार, सुचि देवी, रवि, अर्घ्या, माही, मनसवी, आगम जी जैन, नगराजपुर, सगरी सब परिवार। आज के विधायक परिवार शांति हारा श्रीमान कमल किशोर जी, राजेश जी, विवेक जी, जयंत जी, ऐतिक जी, भगत सब परिवार, सावर, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु, सहा एवं अस्माकम श्री शांति भट्टारक, पार्व प्रसाद, धर्म श्री बलायु आरोग्य, ऐसे वृद्धि रस्तु,
सद्धम स्वस्य स्पर्शस्य से वर्गः पश्यन्तु न ओम प्रसवादा श्री पद्मा पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे अस्माकम यहाँ मुत्र सत्यम तन्मंदु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्र सत्यम पश्यन्तु न ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशी तंकरा श्रीमद रत्ना रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिता द्वादश का सहिता अनंत चतुर्थ सहिता समोसरण केवल गया लक्ष्मी शोभिता अष्टादश सहिता सत्यतमान से गोसयुक्ता परमेश्वर पवित्र सम्यक ज्ञान है स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय तैलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय तैलोक वंश कराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्म रे ब्रह्म प्रभा मंडल मंडिता ऋषि आरिका सावक साबिका दमुख चतुर संगोपसाय विनाशनाय घाती कम चंकराय अजराय अव्वाय अस्माकम त्रिजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकम सेवकनम सर्व दोष रोग शोक वय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमोते भगवते पचीना से दुष्कर्म सर दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वज्ञ प्रनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परक्र छद्योपद्र विनाशनाय सर्व शांति कराय ओम राम रीम रोम रौरा सिया उषा नमः मम सर्वज्ञ शांतिम गुरु गुरु मम तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा समागम समस्त शांति देखने वाले करने वाले सुनने वाले तुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु गुणधनानि सदा संतु सदास्तु सद्धर्म सी बलायु और कैसे रहि वद्धि रस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमस्य औषधाय बुद्धाय रमणताम सर्व शांतिम गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमस्य औषधाय बुद्धाय आयुर्वल्लि विलासं सकल सुख परिदायक दुभासनल्पं धीरं वीर्यं सलिलं निरुपमं नवयत तुच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्येतुदं निःस्फुतश्चैव तापम् कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगता मुत्तिमा शांति धारा संपूज्य का नाम प्रतिपाले का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम ईशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र ओम नमः स्वाधिहार मध्य चित्ततम स्थापयामि ओम नमः स्वाधिहार मध्य चमारे स्थापयामि सुदर्शनो तीर्थ क्षेत्र आवा में हम आजीवन भक्तामर महाविंडा विद्यान मंडल विद्यान ले रखा है। यहाँ पे सभी भक्त गणों को आना चाहिए। हम यहाँ आते रहते हैं, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान के दर्शन, भगवान के कलश शांति धारा करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, बहुत खुश हूँ। देवादिदेव आदिनाथ भगवान, भगवान शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, सभी की मूर्तियाँ बहुत ही मनोहरकारी है। ये तीर्थ प्रकृति के बीच में भव्यता सुंदरता समाहित किए हुए हैं। पूरे देश के सभी जैन धर्मावलंबियों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य यहाँ आकर के दर्शन करें, संध्या करें, भगवान के अभिषेक करें। यहाँ पर रहने की भी उत्तम व्यवस्था है, अतः आप सभी एक बार पधारें यहाँ आकर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महती शिकारी सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक राजस्थान।